बहुत से अनसंग हीरोज इतिहास भरा पड़ा है, उनका नाम हमारी पिछली कई सरकारों ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। ये मोदी जी की सरकार है, वो हमेशा ऐसे जितने भी इतिहास के महापुरुष हैं, जितने भी पुरुष महिलाएं हैं जिनका योगदान है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ला रहे हैं। हमने भी उनकी प्रेरणा से हरियाणा में जो योजना चलाई, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, कोई भी संत महापुरुष हुए हैं उन सबकी जयंतियां, उन सबकी शताब्दियां ये हम सरकार की तौर से मना रहे हैं। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी हों, चाहे गुरु रविदास जी हों, चाहे भक्त कबीर जी हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, आज झलकारी देवी वीरांगना का ये जयंती का दिन भी उसी योजना के अंतर्गत हम मना रहे हैं। हमने और समाजों के भी, गुरु गोविंद सिंह जी की शताब्दी, गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शताब्दी, धन्ना भगत जी की शताब्दी, महर्षि कश्यप की शताब्दी, कितनी ही शताब्दियां मनाई हैं और आगे भी इन सब महापुरुषों को याद करते रहेंगे। और हमने केवल शताब्दियां मनाई ऐसी नहीं है, हम तो इन महापुरुषों के नाम को अमर रखने के लिए इनके नाम से बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम भी रख रहे हैं। आज मैं अभी पलवल में ही कौशल विश्वविद्यालय में होके आया, भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से हमने उनका नाम रखा। लेकिन पिछली जो सरकारें थी वो किनके नाम से नाम रखती थी, किनके नाम से रखनी थी? एक परिवार वो चमक रहा है, और बाद में जो आए वो भी कोई अपने बाप के नाम से, कोई दादा के नाम से आज भी लगे हुए हैं। गांधी परिवार तो एक है, बाकियों ने कौन सा छोड़ दिया, वो भी तो बाप दादा के नाम से ही रख रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, जिन्होंने देश की जनता को दिशा दी है, इस देश की जनता के लिए भले में सोचा है, हम उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, भाइयों, बहनों, हमने तो इनके नाम से कई योजनाएं चालू की हैं, और मेरे मन में यह है कि आज हम झंकारी देवी जी के नाम से एक स्कूल का नाम, पलवल के स्कूल का नाम ये वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से रख रहे हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप, नेशनल हाईवे 19 पर आगरा चौक के नजदीक सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास स्थित है, इसका नाम वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से आज मैं घोषित करता हूं। मित्रों, हमने इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई और योजनाओं के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने ऐसे लोगों के जिनका घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको मकान मिले, पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, अब नए सिरे से मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने बनाई है, उसके अंतर्गत है सब परिवारों को, जो गरीब परिवार है, संपन्न परिवार है, वो अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गरीब परिवार को बढ़ना मुश्किल है, इनके लिए हमने योजनाएं बनाई है। और ये दो कास्ट है, मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति, और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे, चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो। 3C को खत्म करेंगे, 7-स्टार स्टेट हम बनाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा, ये सात हमारे एस रहेंगे जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। एक योजना हमने ऐसी भी बनाई है जिसकी चर्चा में बहुत ज्यादा की नहीं है, आज मैं पहली बार मंच से चर्चा कर रहा हूं उसकी। कभी कोई सदस्य परिवार का, गरीब परिवार का चला जाता है, विशेष तौर पर जो कमाने वाला सदस्य वो चला जाता है, तो परिवार कठिनाई में आ जाता है। उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हुई है, चाहे बीमारी से हुई है, चाहे प्राकृतिक तौर पर कोई बात हो गई हो, लेकिन परिवार का सदस्य चला जाता है, परिवार हिल जाता है, और बहुत परिवार बार बार मांग करते हैं कि परिवार का सदस्य चला गया, हमारी कोई सहायता करिए, हर बार हर व्यक्ति को और डिमांड रखनी पड़ती है। हमने पिछले कुछ समय से ये डिमांड वाला विषय खत्म कर दिया, और गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल है, उसके लिए राशि निश्चित कर दी है, अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से अलग अलग की है, उसके भी कारण आप समझ सकेंगे जब मैं बताऊंगा। 6 साल से 12 साल
किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से निधन होगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा आती है कि कुछ ना कुछ परिवार की सहायता की जाए। 12 से 18 साल की आयु में एक नौजवान होता है, उसका देहांत होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए परिवार को उसका हम देंगे। अगर 12 से 18 से 25 तक किसी नौजवान का देहांत हो जाए तो उसको 3 लाख रुपए देंगे, गरीब परिवार है तो उसको देंगे। और 25 से 45, क्योंकि ये कमाने वाले नौजवान कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ये चला जाता तो परिवार का ताना बना हिल जाता है, उस परिवार को हम 5 लाख रुपया देंगे। और 45 से 60 वालों को भी 3 लाख रुपया देंगे। हमने ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों की 60 साल का होने के बाद उसके घर में बैठे उसकी पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विधवा बहनें, दुर्भाग्य होता है फिर भी उसकी अगले जनवरी के महीने से 3000 रुपये इन सबकी पेंशन हो जाएगी। और केवल इनकी नहीं, हमने 2 वर्ग और छांटे हैं। बहनें विधवा हो गई दुख होता है, लेकिन अगर कोई भाई जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए दुख तो उसका भी होता है, होता है नहीं? तो 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई भाई विधुर हो गया उसको भी पेंशन देंगे।